साम्या प्लीज रो तो मत, तुम्हें रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आखिर मेरा कसूर क्या था? मम्मी किस बात के बदले मुझसे ले रहे? यही कसूर है कि मैंने आपसे शादी की? देखो साम्या, फुरकान के इस तरह गायब हो जाने से मम्मी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई है। तुम उन्हें सास की नजर से नहीं, अपनी माँ की नजर से देखो ना। और एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी हद तक भी चली जाती है। वो जो कुछ करना चाहे वो करती, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। बस अरसलान मैंने फैसला कर लिया, हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे, हम अपने फ्लैट में चले जाएंगे। देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। किस किस चीज की माफी मांगेंगे आप मुझसे? हाँ किस किस चीज की माफी मांगेंगे? जब वो मुझे कल घर से निकाल रही थी तब तो आप यूं ही देख रहे थे बस मुझे। कल जब आप ऑफिस चले जाएंगे तब जानते भी मेरे साथ क्या करेंगी? मुझे तो लगता है कि मुझे जान से मार डालेंगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो साम्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं कल मम्मी से खुद बात करूंगा, बस तुम टेंशन मत लो प्लीज। अच्छा रो मत प्लीज। अच्छा इधर, अच्छा रोना बंद कर दो ना प्लीज साम्या। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अरसलान प्लीज अपने। अच्छा एक मिनट देखो तो, मत रो ना प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूंगा मम्मी से कल। अब स्माइल करो प्लीज प्लीज।